नाउ गाइस हम सरफेस इन्फेक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लेप्रोसी के बारे में. सो गाइस लास्ट डिजीज कंडीशन हम पढ़ेंगे सरफेस इन्फेक्शन की, दैट इज द लेप्रोसी. लेप्रोसी जिसको और क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कोड जिसको बोला जाता है. सो पहले तो हम देखते हैं इसका अनदर नेम. सो अनदर नेम क्या है? हैंसन डिजीज. किस नाम से आता है ये? हैंसन डिजीज. ओके, सेकेंड थिंग है, इट इज वेरी वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन. इट इज वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन. नेक्स्ट थिंग आती है, मेनली लेप्रोसी कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है? सो गाइज मेनली अफेक्ट एंड डैमेज especially the superficial tissue of the skin and the peripheral nerves. It is mainly affect the superficial tissue of skin and peripheral nerves. ओके, पेरिफेरल नर्व्स को और सुपरफिशियल टिश्यूज को ये मेनली अफेक्ट करता है. नाउ कम्स ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड. सो गाइस इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा हो रहता है, 3 to 5 years तक. इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 3 to 5 years. अब बात आती है इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की. सो गाइस इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. सो गाइज ये थी इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जिसमें अनदर नेम हमने देखा हैंसन डिजीज बोलते हैं. इट इज़ वेरी क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इट इज़ मेनली अफेक्ट द सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ द स्किन एंड द पेरिफेरल नर्व. एंड द लास्ट वन इज द इंक्यूबेशन पीरियड, कितना बताया मैंने? 3 to 5 days. एंड द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. नाउ कम्स ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो गाइज इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है डायरेक्ट. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में सबसे पहले है डायरेक्ट ट्रांसमिशन. नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट ट्रांसमिशन. इट मीन्स क्या है? इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में है कौन? हेल्दी पर्सन. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, एंड सेकेंड थिंग आती है थ्रू एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स. कैसे फैल सकता है? थ्रू एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स. ओके, सो ये क्या था इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट थिंग आती है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द लेप्रोसी. सो गाइज साइन एंड सिम्टम में इनिशियली क्या होगा? नर्व्स डैमेज होंगी, क्योंकि मैंने बताया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है. सो नर्व डैमेज होने की वजह से उसको क्या रहेगा वहां पे? टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, नंबनेस हो सकती है. कहां कहां पे? फेस के ऊपर, हैंड्स के ऊपर और फीट के ऊपर. सो साइन एंड सिम्टम में क्या क्या चीजें होंगी? ड्यू टू नर्व डैमेज, नर्व डैमेज की वजह से क्या होगा? Numbness इन द फीट, फेस एटसेट्रा. क्या होगा वहां पे? उसको सुन्नगी महसूस होगी. सेकेंड थिंग है अफेक्टेड स्किन में बिकम थिक. वो क्या हो सकती है? थिक हो सकती है अफेक्टेड स्किन और डिस्कलरेशन भी हो जाएगी. आपने देखा होगा जिनको कोड हो जाता है उनकी स्किन ना बहुत ज्यादा थिक हो जाती है और व्हाइट पड़ जाती है. सो सेकेंड थिंग इन द स्किन बिकम थिक एंड डिसकलरेशन, डिसकलरेशन हो जाता है. थर्ड थिंग आती है लॉस ऑफ सेंसेशन. उस एरिया का जो सेंसेशन है वो बिल्कुल क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. लॉस ऑफ
सेंसेशन। एंड गाइस लास्ट चीज आप बोल सकते हो इसमें, लैक ऑफ सेंसेशन लीड्स टू इंजरी, इंजरी हो जाएगी और इवन दो जो उसकी फिंगर है और जो टोज है उनका लॉस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे थंब में कोई भी सेंसेशन नहीं है तो इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको कट करना पड़ सकता है ताकि जो आगे जो उसका इंफेक्शन है वो आगे स्प्रेड ना हो। लैक ऑफ सेंसेशन कॉज लॉस ऑफ फिंगर एंड टोज। सो गाइज ये क्या थे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द साइन एंड सिम्टम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपने डायरेक्ट ट्रांसमिशन देखा जिसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। एंड साइन एंड सिम्टम में आपने क्या चीज़ें देखी, मेनली ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और स्किन को डैमेज करता है। सो थिकनिंग हो सकती है स्किन की, डिस्कलरेशन हो जाएगी, नंबनेस होगी और इवन दो जो उसका फिंगर है टो है वो भी लॉस हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लास्ट में इसकी चीज़ पढ़ेंगे, प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो गाइज प्रिवेंशन और कंट्रोल में सबसे पहले क्या करेंगे, जिस बंदे को इन्फेक्शन हो गया उसको हम क्या कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे। सबसे पहले क्या है, आइसोलेट द इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, सेकेंड थिंग आती है अर्ली डायग्नोज एंड द कीमोथेरेपी। क्या स्टार्ट कर देंगे हम उसका, जब डायग्नोज हो जाएगा तो क्या कर देंगे उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी। अर्ली डायग्नोज एंड द कीमोथेरेपी। थर्ड थिंग आती है ट्रीट विद द सम स्पेसिफिक ड्रग सच एज द डेप्सन। डेप्सन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लेप्रोसी। डेप्सन is the drug of choice for leprosy. नेक्स्ट थिंग आती है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द leprosy. leprosy का कई लोगों को पता नहीं होता तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको अवेयरनेस वहां पे करनी है, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लेप्रोसी। सो लेप्रोसी की अवेयरनेस में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अवॉइड करनी है ओवर क्राउडिंग, बैड पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, अवॉइड ऑफ शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स यूटेंसिल आर्टिकल्स इन्फेक्टेड पर्सन के यूज नहीं करने हैं, अवॉइड ओवर क्राउडिंग, हाइजीन मेंटेन करना है, एंड थर्ड थिंग इज द Do not use infected person's clothes, या फिर आप बोल सकते हो articles भी उसके use नहीं करने हैं। Next चीज आती है for the profile access purposes हम वहाँ पे BCG vaccine भी use करते हैं, for the profile access कौन सी vaccine हम use करते हैं, BCG वैक्सीन, बेसिलस कैलमेटे ग्वेरिन जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी यूज करते हैं। सो गाइज ये था ओवरऑल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आइसोलेट कर दिया हमने पेशेंट को, सेकेंड थिंग अर्ली डायग्नोज और जल्दी से जल्दी कीमोथेरेपी स्टार्ट करनी है बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस डिजीज कंडीशन। डेप्सन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, डेप्सन देते ही देते हैं, एंड अवेयरनेस हमने करना है, अवेयर करना है उस बंदे को कि भाई अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किसी को नहीं देने हैं, उसको बोलना है क्राउड प्लेस में नहीं जाना है क्योंकि ऑलरेडी उसकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, ठीक है, और उसकी जो पर्सनल हाइजीन है वो भी उसको मेंटेन करके रखनी है, एंड लास्ट में क्या करना है प्रोफाइल एक्सेस के लिए हम वहाँ पे BCG वैक्सीन यूज कर सकते हैं। So guys, this is all about the surface infection. I hope you like this video. Please like, share, subscribe this channel. Thank you. Have a good day. Bye-bye.